इस वक्त की बड़ी खबर, अल्पसंख्यक विभाग ने SP को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, दतिया बुधवार को अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष मुइन से कुरैशी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेतागण और पदाधिकारियों ने SP के सम्मुख एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें इंदरगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम सीकरी में शासकीय योजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्यों की रिकॉर्डिंग करने पर पेशे से पत्रकार एवं इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कामरेड रहमत अली खान निवासी अंदरबस्ती इंदरगढ़ दतिया के साथ मारपीट एवं सत्तापक्ष के दबाव में झूठा प्रकरण बनाए जाने अथवा इंदरगढ़ थाने में अनेकों विपक्षी नेताओं पर इसी प्रकार झूठे मुकदमों में नियोजित जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई। आपको बता दें, अपने आप को पत्रकार कहने वाला रहमत खान ने बताया कि गाँव के कुछ लोगों ने फ़ोन करके हमसे मदद मांगी थी। गाँव में सरपंच के द्वारा साफ सफाई नहीं हो रही है और तो और नाले गंदगी से भरे पड़े हैं। इतना ही नहीं, सफाई कर्मचारी ने यही भी बताया कि 1,000 माह पर हम लगे हुए थे, नहीं तो 1,000 रुपये मिला और ना ही काम करने भी दिया जा रहा। सीकरी गांव में रहमत खान पहुंचा और वहां की रिपोर्टिंग करने लगा। रहमत बोला, मुझे क्या पता था कि हमारी रिपोर्टिंग हमारे लिए इतनी महंगी पड़ेगी। रहमत ने बताया कि हमें लात घूंसा एवं धार धार हथियारों से मारा और बंदी बना लिया। 1,000 रुपये मिलते थे सफाई करने, लेकिन देखिए, मैं एक पत्रकार हूँ जो कि निष्पक्ष ईमानदारी के साथ सच्चाई को दिखाता हूँ। यही कारण है कि आज मेरे साथ कोई भी पत्रकार नहीं है और ये घटना जो हमारे साथ हुई है वो घटना आज दिनांक में 6 बजे सीकरी के अंदर हुई है और सीकरी में हमारे साथ जानलेवा हमला किया गया है। जानलेवा हमला सरपंच के द्वारा किया गया है और सरपंच हमें बेहोश छोड़कर अपने परिवार वालों के हवाले करते हुए यहाँ इंद्रगढ़ थाने में आकर के हमारे खिलाफ़ FIR कर गए, सेटिंग बिठा दी पहले। उसके बाद 2-3 घंटे तक हमें वहाँ पर बंदी बना कर रखा। बंदी बनाने के बाद हमारे एक मैसेज से हमारे कुछ साथी, कुछ घर के, कुछ परिवार के लोग वहाँ पर पहुँचे, 3 घंटे उनको भी बिठा ला। उसके बाद लगभग 10 बजे, 9:30 या 10 बजे के टाइम वो यहाँ से जब अपनी सेटिंग थाने में FIR करके चले गए, तब जाके उन्होंने हमें छोड़ा। और जब मैं थाने के अंदर आया तो यहाँ पर मुझे 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे से यहाँ थाना प्रभारी जो होते हैं वो हमसे कह रहे हैं कि आपकी तस्दीक की जाएगी, लेकिन जो बंदा पहले हमारे खिलाफ़ FIR कर गया उसकी कोई तस्दीक नहीं की गई और FIR हो गई है। और हमारी जो कि हम मतलब जान हमला जान मारने की जान से मारने की नीयत से हम पे हमला किया और हम थाने के अंदर आए तो हमारे ऊपर इतनी बड़ी समस्या होने के बाद, देखिए ये देखिए, ये मतलब धार धार चीज़ों से मारपीट, डंडे, लाठी, जूते, लाते हैं, मुक्के, ये हमारा चेहरा देखिए, ये देखिए पूरा सुजा दिया है, काफी सूजर भी है। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर थाने में बैठे हुए जिम्मेदार लोग ईमानदार पत्रकारों का बिल्कुल सहयोग करने से बच रहे हैं और पूंजीवादी लोग एवं सत्ताधारी लोगों के इशारे पर यहाँ थाने के लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं सच्चाई दिखाता हूँ जब थाने की या किसी भी विभाग की, तो इन लोगों को मिर्ची लगती है, इसलिए ये लोग हमारी मतलब आवाज़ को सुनना नहीं चाहते हैं और हमारी FIR नहीं ले रहे हैं। ये अभी इतना समय हो रहा है, लगभग 11:30 हो रहे हैं, 12 बजे हो रहे हैं, करीब 1 घंटा में यहाँ पर हो गया है निवेदन करते करते। लेकिन इंद्रगढ़ थाने में यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने मेरी FIR नहीं ली और सामने वाली जो पार्टी आई थी मुझे जानलेवा हमला करने के बाद, उनके आने पर FIR यहाँ पर कर ली गई है मेरे खिलाफ। और अभी यहाँ पर जो श्रीवास्तव दीवान जी हैं उनको मैंने कहा, लेकिन वो गाड़ी में बैठे और हमसे मतलब खुद इल्ज़ाम लगा रहे कि आप मतलब वहाँ गए क्यों थे, उस गांव में गए क्यों थे। और हमने उनका वीडियो बनाया कि सर आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, वजह क्या है, तो वो मतलब दमंगिया ही दिखाते हुए अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चले गए हैं। और मैं यहाँ खड़े होकर यहाँ की जिम्मेदार अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर तत्काल कार्रवाई की जाए तो बड़ी अच्छी मेहरबानी होगी।
थैंक यू धन्यवाद। देखिए ये रहमत खान पत्रकार जी यहाँ थाने पे हैं और अभी क्या भाई आपको बारह सीकरी कला में कितनी देर बैठाया उन्होंने? उन्होंने जब हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया उस समय हमें इतना मालूम है कि लाठी डंडे और मतलब कुल्हाड़ी जैसी चीज़ उनके हाथों में थी, लेकिन जब हमें मारना शुरू किया उसके बाद मुझे कोई होश नहीं है। इतना ज़रूर मालूम है कि 20-22 लोग थे, सरपंच और सरपंच का लड़का सिर्फ उनको मैं जानता हूँ, बाकी किसी को नहीं जानता हूँ। लेकिन जब मैं बेहोश हुआ उसी समय ये लोग गाड़ी में 2-3 लोग बैठ करके अपने लोगों से हमें बंदी बनवा के सिकरी के अंदर यहाँ पर मेरे खिलाफ FIR करने आए, और जब तक वो यहाँ से FIR करके नहीं पहुँचे, लगभग उनको 3 घंटे या 2.5 घंटे लगे, तब तक मुझे एवं मेरे पहुँचे हुए समस्त सहयोगी परिवार के लोग जो भी हैं सारे लोगों को नज़रबंद किया है और उनको आश्वासन दिया है, मीठी मीठी बातें की हैं। और आज जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि वो आपके खिलाफ पहले यहाँ पर FIR कर गए। अच्छा, इसका मतलब आपको बंदी बनाया था तो वो इसी काम से थाने ही आए थे सेटिंग मिलाने के लिए? जी, वो सेटिंग मिलाने के लिए यहाँ पर आए थे और उन्होंने हमें पॉलिसी से हमें एवं हमारे लोगों को 2.5-3 घंटे इंतजार में रखा। अच्छा, ये कि अगर कहीं पहुँच जाएगा तो ये हमारे पहले वहाँ पर अपनी बात कह देगा, अपनी रिपोर्ट लिखवा देगा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो बंदा यहाँ पर आकर FIR मेरे खिलाफ, एक पत्रकार के खिलाफ, एक ईमानदार कलम लिखने वाले, सच्चाई से बात करने वाले पत्रकार के खिलाफ तत्काल इस थाने के अंदर FIR हुई है। लेकिन मैं यहाँ पर सच्चाई की बात करने वाला पत्रकार रहमत खान, पत्रकार को बुरी तरीके से यहाँ पर आया हूँ इस थाने में बैठे हुए जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि बताइए ये दोगला व्यवहार, यानी जिसको कहा जाए पूंजीपतियों का साथ और हम जैसे ईमानदार लोगों के साथ अत्याचार। देखिए ये हाथ में भी चोट है, ये शर्ट भी फटी हुई है और यहाँ ये पैंट भी फटा हुआ है, जिम भी फटी, और चेहरे पे देखिए ये गाल ये सूजा। और एक बात और कहना चाहेंगे, यहाँ पर मेरे पास ये लोग जो थाने वाले लोग उनके पक्ष में बात कर रहे हैं, मेरे पास उस समय के वीडियो मौजूद हैं जब वहाँ मैं बंदूक